गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर बजट के बारे में पढ़ेंगे कि सरकारी बजट से प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए सबसे पहले प्राप्ति होती है कर राजस्व प्राप्ति। बच्चों कर राजस्व या आगामी में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों से तथा शुल्क से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। यानी जो प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं या अप्रत्यक्ष कर लगाती है, सभी व्यक्ति कोई भी वस्तु दुकान से खरीदते हैं उनमें सभी उपभोक्ता कुछ ना कुछ टैक्स उसमें वसूल। जब मोबाइल भी खरीदोगे तो उसमें लिखा होगा इंक्लूड ऑल टैक्सेस। साबुन खरीदोगे तो आप उसमें भी लिखा रहेगा टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है। तो अपन कोई भी वस्तु जब अपन दुकान से खरीदे जाते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स कुछ ना कुछ उसमें जुड़ा रहता है। तो उन करों से छोटी छोटी मदें करके एक मोटा अमाउंट प्राप्त हो जाता है गवर्नमेंट को, उसको हम टैक्स कहते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यह भारत में शराब तथा दूसरी नशीली चीजें जैसे कि अफीम भांग गांजा आदि को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर केंद्रीय सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। इसमें केंद्रीय उत्पादन शुल्क क्या है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क उसे कहते हैं यह नशीले पदार्थों पर को छोड़कर अन्य सभी उत्पादित वस्तुओं पर यह टैक्स लगाया जाता है। इसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क कहते हैं, चाहे वो शक्कर बने, गुड़ बनाया जाए या जो भी उत्पादन किया जाए उन पर यह टैक्स लगा के गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। पर किन पर नहीं लग, कौन कौन सी जो उत्पादित है उन पर नहीं लगाया जाता है, जैसे कि अफीम है, गांजा है, ड्रग्स है, मदरा है आदि जो नशीले पदार्थ होते हैं उन पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क को नहीं लगाया जाता है। अब आता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क आगामी वर्ष में हमारे देश से दूसरे देशों को या दूसरे देशों से हमारे देशों पर जो वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है उन पर जो कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। यानी हमारी सीमा से जो माल बाहर जाता है या बाहर का माल जो हमारी सीमा के अंदर आता है उन उत्पादनों पर सीमा शुल्क को लगाया जाता है, उससे भी सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब आता है आयकर। देखिए इनकम टैक्स, जो कर्मचारियों या जो बिजनेसमैन या जो व्यापारी जिनका आय से अधिक इनकम होती है तो उन पर इनकम टैक्स के द्वारा उनकी आयों पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि अनिल अंबानी है और भी जैसे बहुत बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनकी जो आय है टैक्स के दायरे के बाहर आती हैं या टैक्स के दायरे के अंदर आती हैं उन पर उनकी इनकम के आधार पर उन पर टैक्स लगाया जाता है, उसे आयकर टैक्स कहते हैं। अब आता है निगम कर। निगम यानी नगर पालिका द्वारा या नगर निगम के अंतर्गत निगम कर उस कर को कहते हैं जो निगमों या पंजीकृत कंपनियों पर लगाया जाता है। यह कर कंपनी पर लाभांश वितरण से पूर्व लगाया जाता है। 1960 से 61 तक इस कर को सुपर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से केंद्र सरकार को 4,93,923 करोड़ रुपए से प्राप्त हुई थी। यानी कहने का मतलब जो निगम के द्वारा पंजीकृत जो कंपनियां होती हैं जो पंजीयन वहाँ कराती हैं तो हम जो पंजीयन होती हैं तो उनके पंजीयन कराने के बाद जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो उनके प्रॉफिट पर यह टैक्स लगाया जाता है। धनकर या संपत्ति कर होल्डर के की सिफारिश के आधार पर पहली बार 1957 में लगाया गया था। यह व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार तथा कंपनियों को कर मुक्त संपत्तियां निकाल देने के बाद कर बचने वाली शुद्ध संपत्तियों पर लगाया जाता है। यानी जो व्यक्तियों की जो वास्तविक धन होता है उसे निकालने के बाद जो टैक्स धन टैक्स के दायरे में आता है या उनकी ओवर इनकम होती है उस पर यह धनकर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेवा कर। देखिए 1994-95 में पहली बार 3 सेवाएं टेलीफोन, साधारण बीमा, शेयर दलालों सेवा कर लगाया जाता है। यानी अधिक टेलीफोन, यानी अगर आप घर पर टेलीफोन का उपयोग करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाओं का जो उपयोग करते हैं, टेलीफोन हो या एटीएम हो या ऑनलाइन कैश पेमेंट करते हो, रिसिप्ट करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, यानी जो जो गवर्नमेंट की शाखाएं हैं उन शाखाओं का उपयोग करते हैं, बैंक के है या बिजली विभाग संबंधित है, आप बिजली का उपयोग करते हैं तो या पानी का उपयोग करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रदाय पानी, जैसे कि नहर है या नल का पानी है जो कंपनियों से गवर्नमेंट द्वारा आती है, उन पर यह कर सेवा कर लगाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि नगर पालिका हो या कोई भी हो, जो सुविधाएं गवर्नमेंट की होती हैं उन सुविधाओं का जो उपयोग करते हैं तो उन सुविधाओं के बदले हमें उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे अगर पानी का सिंचाई कराएंगे अपनी कृषि के लिए तो हमें सिंचाई कर देना पड़ेगा, घरों के लिए पानी करते हैं नल टैक्स आता है, बिजली का उपयोग करते हैं तो बिजली का बिल आता है, टेलीफोन से बात करते हैं तो हमें टेलीफोन बिल देना पड़ता था आदि जो सेवाएँ हैं तो उन सेवाओं के बदले में भी सेवा कर लगाया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों की कर। देखिए सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों में लगाए जाने वाले विविध करों में से भी आय प्राप्त होती है। गैर कर राजस्व
सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्यतः उसके द्वारा विनियोजित पूंजी पर ब्याज और लाभांश शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं, जैसे कि ब्याज प्राप्ति, राज्य संघ शासित राज्यों, रेलवे, दूरसंचार इत्यादि को दिए जाने वाले ऋणों को ब्याज प्राप्तियाँ होती हैं। यानी कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जो ऋण प्रदान करती हैं, तो ऋण प्रदान करने के बदले में उन्हें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, जैसे ब्याज प्राप्त होना या टैक्स लगाना। सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभ एवं लाभांश, यदि सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जो उपक्रम हमने जो प्रदान किए हैं तो उनसे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। राजकोषीय सेवाएं, करेंसी, टकसाल आदि से आए, राजकोष में जो हम टकसाल या करेंसी करते हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाता है, गैर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। सामान्य सेवाएं, सुरक्षा प्राप्तियां को छोड़कर से आए, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं से आए, आर्थिक सेवाओं से आए, बाह्य अनुदान, उपहार सहायता, वस्तु तथा उपकरण एवं नगद सहायता। अब आती है पूंजीगत प्राप्तियां। देखिए पूंजीगत प्राप्तियां दो भागों में बांटा जाता है, गैर ऋण प्राप्तियां तथा राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण के संबंध में ऋण प्राप्तियां। गैर ऋण प्राप्तियां सरकार की गैर ऋण प्राप्तियां में दो मदें शामिल होती हैं, ऋणों और अग्रिमों को वसूलियों तथा विविध पूंजी प्राप्तियां। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के संबंध में ऋण प्राप्तियां, इसमें शामिल होने वाली प्रमुख पद हैं जैसे बाजार ऋण, अल्प अवधि उधार। ये क्या पूंजीगत प्राप्ति होती है, या कुछ अल्प अवधि उधार मतलब कुछ समय के लिए लोग वहाँ उधार दे देते हैं, ठीक है ना। विदेशी सहायता, ठीक है ना। लघु बचतों की एवज में जारी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधि, अन्य प्राप्तियां, निवल नगद शेष के आय द्वारा कमी। सरकार व्यय क्या होता है, देखिए बजट में सरकारी व्यय को दो भागों में विभाजित करके दिखाया जाता है, योजनागत व्यय या गैर योजनागत व्यय। अब योजनागत एवं गैर योजनागत व्ययों में पुनः राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में विभाजित किया जाता है। योजनागत व्यय के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में केंद्रीय आयोजन का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान देता है, अतः इसे विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सरकारी व्यय को निम्नलिखित तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया। नंबर एक, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण से ब्याज, अदायगियों, आर्थिक सहायता आदि पर होता है। मोटे तौर पर ऐसा व्यय जिससे किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता राजस्व व्यय कहलाता है। ध्यान रहे, राजस्व व्यय सरकारों को दिए जाने वाले अनुदानों में से कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होते हैं, परंतु ऐसे सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं। पूंजीगत व्यय, देखिए पूंजीगत व्यय या भुगतान में शामिल होने वाली प्रमुख मदें हैं। नंबर एक, भूमि, ये पूंजीगत व्यय है। भवन, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत का मतलब क्या है, यानी जिसमें जिस पर हम अधिक या मोटी रकम खर्च करते हैं वह पूंजीगत रकम कहलाते हैं। भूमि, भवन, मशीन, उपकरण आदि परिसंपत्ति को अधिग्रहण पर किया जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। देखिए अगला है, राज्य संघ राज्यों में सरकारी कंपनियां, निगमों आदि को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण व अग्रिम। अब योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय में वे तत्कालीन विकास व विनियोग मदें शामिल होती हैं जिन्हें वर्तमान में योजना प्रस्तावों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी एक प्लानिंग बनाई जाती है, उस प्लानिंग के थ्रू जो खर्च होते हैं और उस प्लानिंग के थ्रू हमें काम करना पड़ता है, उन्हें योजनागत व्यय कहते हैं। अन्य गैर योजनागत व्यय कहे जाते हैं, दोनों व्ययों में राजस्व व्यय पूंजी खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब योजनागत व्ययों की मदें, इन्हें जैसे कि गैर योजनागत व्ययों की मदें, तो केंद्रीय आयोजना तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता लेना। गैर योजनागत व्यय जैसे कि ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, अनुदान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान, पेंशन, पुलिस, विदेशी सरकारों को अनुदान, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता, विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय, आय, गैर योजनागत पूंजी परिव्यय, विदेशी सरकारों को ऋण इत्यादि। ये गैर योजनागत व्यय की प्रमुख मदें होती हैं। अब विकासीय व्यय एवं गैर विकासीय व्यय,
ऐसा व्यय जिसे मूलभूत आवश्यकता सेवाओं की स्थापनाओं में किया जाता है, यानी ऐसे व्यय जो हमारी मूलभूत आवश्यकता मतलब मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन पर जो व्यय किए जाते हैं वो विकासी व्यय है। अब इनसे और विलासतापूर्ण व्यय आ जाएंगे जैसे कि जिससे अधिक विकास की होता है विकासी व्यय कहलाते, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, रोजगार, जीवन स्तर में वृद्धि के लिए ऐसा व्यय बड़ा व्यय सहायक होता है। यानी गैर विकासी व्यय या विकासी व्यय यानी जो हमारे देश की विकास करने में सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन के लिए व्यय करना, राष्ट्रीय आय के लिए व्यय करना, रोजगार तथा जीवन स्तर में वृद्धि या सुधार करने के लिए व्यय करना, तो ये विकासी व्यय कहलाते हैं। इसके विपरीत जिस व्यय से आर्थिक विकास में मदद नहीं मिलती है या राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव नहीं होती है उन्हें गैर विकासी व्यय कहा जाता है। जैसे वास्तव में कार्यात्मक परिणाम में योजनागत व्ययों को भी विकासी व्यय या गैर योजनागत व्ययों के विकासी व्यय कहा जाता है। देखिए विकासी व्यय केंद्रीय सरकार के कुल व्यय में आयोजन व्यय का एक बड़ा अनुपात होता है, सामान्यतः इसे विकासीय व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार विकासीय व्यय में संपत्ति होने वाली प्रमुख मदें हैं, तो कौन कौन सी, नंबर एक रेलवे, डाक तथा दूरसंचार, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, सामान्य आर्थिक सेवाएं, कृषि एवं संबंध सेवाएं, उद्योग तथा खनिज, उद्योग फैक्ट्री, खनिज मतलब खाने वगैरह, विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन एवं संचार, विज्ञापन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण इत्यादि, ये हमारी विकासीय व्यय में शामिल होने वाली प्रमुख मदें हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है गैर विकासीय व्यय में रखी जाने वाली प्रमुख मदें कौन कौन सी होती हैं, जो जो हमारे देश का विकास तो होता नहीं है, मतलब जिनसे विकास नहीं होता है उन्हें गैर विकासी कहते हैं, जिनसे विकास होता है उन्हें विकासी कहते हैं, जैसे रक्षा सेवाएं, सीमा सेवाएं, ब्याज भुगतान, कर संग्रह व्यय, करेंसी व टकसाल व्यय, अनिवार्य वस्तुओं पर ब्याज, नियंत्रित कपड़े पर अनुदान इत्यादि, ये सारी मदें गैर विकासीय व्यय के में रखी जाने वाली प्रमुख मदें होती हैं। एक बार और ध्यान देने ओटी में आ जाता है गैर विकासीय या विकासीय मदें कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले विकासीय मदें रेलवे, डाक एवं दूरसंचार, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, सामान्य आर्थिक सेवाएं, कृषि एवं समृद्ध सेवाएं, उद्योग एवं खनिज, विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन एवं संचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण इत्यादि। अब गैर विकासीय व्यय में रखी जाने वाली प्रमुख मदें, नंबर एक रक्षा सेवाएं, नंबर दो सीमा सेवाएं, नंबर तीन ब्याज भुगतान, नंबर चार कर संग्रह व्यय, नंबर पाँच करेंसी व टकसाल व्यय, नंबर छः अनिवार्य वस्तुओं पर ब्याज, नियंत्रित कपड़े पर अनुदान इत्यादि। अब आते हैं बजट के प्रकार। बच्चों अभी हमने सरकारी बजट के व्यय और उसमें गैर विकासीय और विकासीय ये या गैर योजना है योजनागत ये सारी चीज़ें क्लियर की। अब आते हैं बजट कितने प्रकार है, तो नंबर एक संतुलित बजट। जब बजट की प्राप्तियां चालू व्यय के ठीक बराबर होती हैं, यानी जितना व्यय उतना इनकम, ये जितना हमारा जो संतुलन मतलब इक्वल दोनों बराबर, ठीक है ना, तराजू की तरह, तो जब बजट की प्राप्ति चालू व्यय के ठीक बराबर होती है उसे संतुलित बजट कहा जाता है। इसका तात्पर्य है आय एवं व्यय पर लगाए गए करों से आय वस्तु व सेवाओं, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि का भुगतान पर्याप्त रूप से कर पाना संभव होता है। केंस के अनुसार संतुलित बजट आवश्यक रूप से एक आदर्श स्थिति नहीं है, उनके अनुसार आधिक्य तथा घाटे के बजट का प्रयोग समग्र मांग व कीमतों को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित या नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। आगम बजट, आगम बजट में सरकार की आगम प्राप्तियां तथा इन प्राप्तियों से होने वाले व्ययों को शामिल किया जाता है। कर आगम में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों व शुल्कों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। गैर कर आगम में सरकारी विनियोगों पर ब्याज व लाभांश, शुल्क तथा अन्य प्रदत्त सेवाओं के बदले प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। तीसरा है प्राप्तियां बजट। बच्चों ये सब मैंने आपको बजट के प्रकार बताए, अब इस संबंध में मैं कल आपको इसके सारे प्रकार बताऊंगा, तब तक आप बजट के
सरकारी व्यय वगैरह, गैर सरकारी, विकासीय, गैर विकासीय, योजनागत, गैर योजनागत, इन सारे पॉइंटों को अच्छे ध्यान से पढ़ लें। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से संपर्क करें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।